हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी एस एफ। आज मैं आप लोगों को 14 अप्रैल का करंट अफेयर कराऊंगी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में सेबी ने अपना 15वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो हाल ही में सेबी ने अपना 15वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल को मनाया। तो देखते हैं सेवी। सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इस बार सेवी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। सेवी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखते हैं अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया जिसका थीम था वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? तो ये एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी गरुड़ एयरो स्पेस। इसका आंसर हुआ गरुड़ एयरो स्पेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है, मतलब नंबर 1 पे कौन रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है बेंजुला, दूसरे पे रहा है पापुआ न्यू गिनी, तीसरे पे रहा है अफगानिस्तान। और आप देखेंगे भारत का जो है वो 77वें नंबर पे था। और अब वेनेजुला का राजधानी है कराकश और यहाँ की जो डॉलर है वेनेजुएल डॉलर है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कौन सा राज्य 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव आयोजित कर रहा है? तो ये आयोजित कर रहा है जम्मू कश्मीर 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव आयोजित कर रहा है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊँचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। तो ये थे जम्मू कश्मीर के कुछ डिटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा बेंगलोर में पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर खुलेगा। ये जो है 1100 स्क्वायर फीट का बना हुआ है। इसमें 23 लाख लागत लगी हुई है और इसका ये सिर्फ 30 दिनों में बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी, दूसरे नंबर पे हैं पेमा खांडू और अब आप सोचेंगे सबसे लास्ट में कौन है? तो वो है ममता बनर्जी, उनका 15 लाख है बस, उससे ज़्यादा उनके पास संपत्ति नहीं है। अब जगमोहन रेड्डी इनके पास 500 करोड़ की संपत्ति है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो इनका निधन हुआ है 99 वर्ष की आयु में। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में, हुगली नदी में।
किया गया है वहाँ सुरंग में। अब देखते हैं कोलकाता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो हुगली नदी के पास है। यहाँ की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति मांगी है। पूरे डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। डॉक्टर सिखी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मार्च 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये बने हैं साकिब अल हसन और विमेंस में बनी है हेनरिट इसिमेवे। ये है हेनरिट इसिमेवे, ये रवांडा देश की हैं, ये ऑलराउंडर हैं, और साकिब अल हसन ये बांग्लादेश के हैं। अब आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दुबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है ग्रेग बारकले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये की गई है चाइना। सारे वायरस चाइना से ही आते हैं। अब चाइना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल जो है वो है बीजिंग और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब चाइना के बारे में कुछ और देख ले। स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया। चीन ने संचार उपग्रह झोंग सिंह 26 का प्रक्षेपण किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया देश विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पे रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना? तो ये बना है एमआरएफ की स्थापना 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो हेड है KM मम्मे हैं। मोदी जी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गए हुए थे। वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ तो उन्होंने टाइगर सेंसस जारी किया। इस टाइम पूरे इंडिया में 3167 टाइगर हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। SEO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष पे अमेरिका रहा है। अब अमेरिका तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पे रहा है। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिका राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी हैं। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने। एरिक गारसेट्टी भारत में अमेरिकी अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस कंपनी को मिनरल कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कौन 2 दिवसीय इटली के दौरे पर गए हैं? तो पीयूष गोयल जो है वाणिज्य उद्योग मंत्री है, ये 2 दिवसीय दौरे पे गए हुए हैं इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पे जॉर्जिया मेलिनी। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।